बात करेंगे कि पूजे कॉइन एक्सचेंज से हम विड्रॉल कैसे ले सकते हैं, विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या कंडीशन है, कितना विड्रॉल पूजे कॉइन से ले सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी एयरड्रॉप के दीवाने हैं, आप बिना कोई पैसा लगा यहाँ से इनकम करना चाहते हैं, तो यह ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज के एयरड्रॉप आते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इस एयरड्रॉप को, इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कोई प्लान है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों में, तो आप अपने प्लान की लिंक भी आप यहाँ पर शेयर करके इस ग्रुप का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। पूजे कॉइन का विड्रॉल लेने के लिए सबसे पहले तो हमको अपना अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करना होगा, तो हम यहाँ से फटाफट अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। हमने अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हमारे सामने यहाँ पे इसका एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड आएगा जो कि टेलीग्राम से हमको मिलता है। यहाँ पे जो कोड आया हुआ है यह 8647, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यह कोड आपको बार बार कुछ चेंजेस मिलेंगे, तो हम इसे यहाँ पर चेंज कर देते हैं। 8647 हमने कोड मेंशन कर दिया, तो साइन इन कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो अकाउंट है ये सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद जो ईमेल ऑथेंटिकेशन है ये आपको कंप्लीट कर लेना है, वेरिफिकेशन स्टेटस है इसको भी कंप्लीट कर लेना है। लेकिन आपके लिए खास बात मैं बताना चाहूँगा जिसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक जो बहुत से लोग गलती कर सकते हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, तो यहाँ पे एक ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे विड्रॉल सिक्योरिटी, आप विड्रॉल इंस्टेंट लेना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को अपना कनेक्ट नहीं करना है, आपको जो विड्रॉल है आप सन क्रिप्टो, बाइनेंस, वजलेस, जिसका भी आपका क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होगा वहाँ पर आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अपना ट्रस्ट वॉलेट आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसी गतिविधि देखी गई है कि ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करते से ही बहुत से लोगों का नुकसान हो चुका है। लेकिन आपको अपने नुकसान से बचने के लिए कोई भी वेबसाइट पे आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट नहीं करना है जहाँ पे आपके एसेट्स रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे अपना ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ अब बात आती है विड्रॉल की कि हमको विड्रॉल कैसे करना है, विड्रॉल की प्रोसेस क्या है। तो विड्रॉल की प्रोसेस के लिए हमको आना होता है यहाँ पे प्रोफाइल पर आना होता है। प्रोफाइल पर आने के बाद एसेट्स पर आना होता है। एसेट्स पर आने के बाद हम विड्रॉल बटन पर क्लिक करते हैं। तो विड्रॉल बटन पर क्लिक करने के बाद हमें BTC में विड्रॉल लेना है, तो इसकी जो फीस है आपको नीचे देखने को मिलती है, ये 20 मिनिमम जो विड्रॉल है $20 तक का ले सकते हैं। जो नेटवर्क फीस है 0.50 USDT लगेंगी। लेकिन इसके लिए भी हमको यहाँ पे कोई USDT हमको यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करना है। हमारे पास जो BTC या बिटकॉइन है उसको हम यहाँ पे बेच सकते हैं, और उसके बाद बेच के ही हमारे पास USDT की फ़ीस निकल जाएंगी। हमने अपने कॉइन को यहाँ पहले बेच चुके हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो किस प्रकार से बेच सकते हैं, इसके संबंध में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो बिटकॉइन का एड्रेस है ये वजलेस का मैं लेके आया हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ अपने वजलेस का जो कि डिपॉजिट एड्रेस है BTC को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से जो विड्रॉ लेना चाहूँगा, यहाँ 0.3 BTC बिटकॉइन का मैं विड्रॉ देना चाहूँगा, तो विड्रॉ की बटन पे मैं यहाँ प्रेस करता हूँ। तो विड्रॉ बटन पे जैसे प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने एक मैसेज आता है। ये मैसेज इस प्रकार से आता है, इसमें आप यहाँ कुछ लिखा हुआ मिलता है जो कि थर्ड पार्टी विड्रॉल वेरिफिकेशन है। यहाँ पे लिखना हुआ मिलता है ये अकॉर्डिंग द टर्म्स ऑफ सर्विस एंड AML/KYC पॉलिसी टू विड्रॉल फंड्स टू अ थर्ड पार्टी विड्रॉल यूर नीड टू कन्फर्म that you are the owner of the third party wallet. To confirm ownership of third party wallet you need to make a verification payment in any of the coins available on the cryptocurrency exchange. This action will protect your account from unauthorized withdrawal by other users. इसका कहने का मतलब है कि यह विड्रॉल आपको KYC करने पे ही मिलेगा, बिना KYC के आपको विड्रॉल नहीं मिलने वाला है जब तक कि आपका KYC नहीं होगा। और थर्ड पार्टी का विड्रॉल के लिए आपको KYC कराना ज़रूरी है। अभी हमारा भी KYC इसमें नहीं हुआ है। जैसे हमारा वो KYC की प्रोसेस क्या है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि KYC के लिए स्टार्ट वेरीफिकेशन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी सर्वर एरर आ गया है, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये इससे पहले नहीं आया हुआ था, अभी जब हमने वीडियो बनाने स्टार्ट किया तो ये आ चुका है। तो यहाँ पे आपको KYC करना होगा, लेकिन हम पहले KYC करने की प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही विड्रॉल होता है तो हम आपको आगे वीडियो के माध्यम से जानकारी बताएंगे। जब तक कि आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि पूंजे कॉइन से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो आपको समय से पहले जानकारी मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बेनिफिट ले सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।